जी हमने तो ये सुनने में आई है एक अरे टून तेंडे चप्पल पाए उसकी उस पल पर अच्छा वो चप्पल फिर वो आगे ना आदमी जहाँ थे टोन आड़े वो डोमो नाला ने बोला आगे न को ना अड़े पाओगा अच्छा हाँ वो फिर आगे डुबो का रहा था आगे क्यों कर जावे ऊपर था गेंद वो है देखो जी सुधा कैसे कह सकते जब अपने ही जन्मे बेटे को इस प्रकार से मार देवे किस प्रकार से ताना का उसना ये कौन सुधा का गा अपना जन्मे और खा लिया बता के सुधा का हाँ वो जब लाए कार्ड का फिर उसका परसों दाग दिया बिना पोस्टमार्टम भी कराया ना करा जी वो तो हमने नहीं बेरा वो तो कहते भगवान जाना है सब हमारा थला काम किसी को वो नहीं करते हम तो सुनी है जो कुरकुम ये बात सुनने वाली है दर्शकों नमस्कार आप देख रहे हैं जस्सी मीडिया ग्रुप और मैं जस्सी सिंह फिलहाल की मैं बात करूं रोहतक जिले के लगते ही गांव है अभोर अभोर स्थल भी इसको बोल देते हैं वहां की मैं लाइव तस्वीरें देख दिखा रहा हूं आपको और दर्शकों आप ये भी देख रहे होंगे कि मैं जो ये एक नहर है नहर के ऊपर मैं खड़ा हो गई वीडियो बनाने का मेरा क्या मकसद है दर्शकों बता दें आपको कि कुछ टाइम पहले आपने दनोदा गाँव की वीडियो देखी होगी कि माँ ने अपनी जुड़वा बच्ची को तकिए से दबा के मतलब गला घोट के उनको मार दिया अरे क्या कहें हम वीडियो बनाते बनाते इतना दिल पसीज जाता हमारा इंसान कितना बदल गया है इंसान तू अपने ही जन्मे बच्चों को किस प्रकार से मार देता है हे रब्बा किस प्रकार की आपने ये दुनिया बनाई है ये कैसे इंसान आपने पैदा किए हैं बच्चे तो दूसरे को भी नहीं मारना चाहिए लेकिन अपने ही बच्चों के अपने हाथों से हत्या कर देते हैं यहाँ की आपने घटना देखी होगी वीडियो भी वायरल है उनकी कि एक पिता ने वहाँ माता ने अपनी बच्चियों को मारा है यहाँ पिता ने अपने बेटे को मारा है ये वो जगह है ये वो नहर है जहाँ पर उसने अपने बेटे को डुबोया है ये बात हम क्यों कह रहे हैं क्योंकि डुबोने के बाद वो खुद जो उस बच्चे को ढूंढने में लगे हुए थे बताया ये जाता है कि जैसे मैं एक बार कैमरामैन को कहूँगा कि यहाँ पर लोग भी रहते हैं ये दूसरी साइड भी एक नहर है जहाँ पर भैंसों को पानी पिलाने भी आते हैं और शायद वो नहाने के बहाने से यहाँ पर वो आए होंगे जैसे भी हमें पता लगा है यहाँ पर वो सीढ़ियाँ भी हैं इन सीढ़ी मैं कैमरामैन को कहूँगा एक बार दिखाए कि ये वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ पर उतर कर बंदा यहाँ नहा सकता है अगर इसमें से पानी निकालना हो तो पानी भी निकाल सकता है और साथ में लोहे वो सीढ़ियाँ हैं यहाँ अपने ही बेटे की हत्या कर दी है किस प्रकार का इंसान है कैसी इंसानियत आज इस देश के अंदर है अपने ही जन्मे बेटे को मात्र 6 साल का बताया जा रहा है इतने छोटे छोटे फूल से बच्चे जिनका पता भी नहीं है उनको ये दुनिया भी नहीं देखी है अभी तक कि किस प्रकार से पिता का सपना होता है अपने बच्चों को अच्छा भविष्य उनका बनाना उनको पढ़ाना लिखाना पालन पोषण करना मतलब उन बच्चों के लिए उस परिवार के लिए वो अपने हर वो काम करता है जिससे उनका वो पालन पोषण जो कर सकता है पता लगने में देखो ये भी सुनने में आया है कि जो मियाँ बीबी की उनकी आपस में बात होती थी वो उसकी जो उस लड़के की माँ है जो वो ये कहती थी अपने पति से कि तू छोटे बेटे से प्यार करता है बड़े से नहीं करता ऐसा सुनने में आया है वो बातें हम तमाम उनसे पूछेंगे कि क्या उनकी आपस की कोई ऐसी बातें थी कि उस बेटे को जो है उसने यहाँ पर डुबो कर मार दिया क्या यही कारण था क्या उसको उस बात का गुस्सा था कि उसने कह दिया कि तू छोटे बेटे से प्यार करता बड़े से नहीं करता वो भाई बड़े से नहीं करता इसलिए उसको उसने मार दिया वो तमाम बातें हम उनसे करेंगे यहाँ का कुछ महिलाएं भी हैं हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कुछ युवा भी है हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्यों एक जो एक युवा ही बताया जा रहा है मात्र 28-29 साल का वो था व्यक्ति जिनने अपने 6 साल के बेटे को नहर में डुबो करके जो है मार दिया तो यहाँ पर एक बुजुर्ग माता है देखो सबसे पहले मैं यह कहूँगा कि कुछ लोग बोलने से मना कर देते हैं लेकिन जिसके अंदर अगर इंसानियत जिंदा है ऐसे ऐसे हत्यारों के लिए आप क्या बोलेंगे इंसानियत सबसे पहले ज़रूरी होती है कि एक चाहे उसने अपने ही बेटे का उसने हत्या करी है लेकिन करी तो हत्या है ना क्या ये इंसानियत कहती है उसको कि आप उनको मार दे तो एक माता जी हैं हम उनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से जो है अपने ही जन्मे बेटों को आज ये दुनिया है जो इतना घोर कलयुग बढ़ गया है कि वो मार देते हैं माता जी नमस्कार नमस्कार जी हाँ जी कौन पकड़ दो माता जी आपके गांव में यहाँ इस नहर पे ही बताया है कि एक आदमी ने अपने बेटे को मार दिया पंडित था जी हाँ मैं पकड़ दूंगा माता जी कोई बात नहीं मैं पकड़ रहा हूँ हाँ जी बोलो
कि मतलब कि आपने कुछ आपके गांव का है हाँ जी। कुछ पता भी लगा होगा कि ऐसा की बात थी कि मतलब उसने अपने ही बेटे को कुछ नहीं पता लगा जी। हमने तो ये सुनने में आई है चप्पल पाए उसकी उस पल पर अच्छा उस चप्पल वो चप्पल फिर वो आगे ना आदमी जहाँ थे टोन आड़े वो डोबोन आला ने बोला आगे न को ना अड़े पाओगा अच्छा हाँ वो फिर आगे डुबो का रहा था आगे क्यों कर जावे ऊपर था आगे डुबोया था अच्छा आगे जाके डुबो गया था अच्छा फिर वो एक नायिका था वो उड़े नहाने लग रहा था वो कई बोलता सोलता अंडा था चक्कर काटता कि अड़ थे क्यों कर डिग जा जब डुबो इन वो नहाए गया वो ना डिग गया फिर उन्हें पहले थे नवाया है अच्छा और फिर गुच्छ की मर मार मार छोड़ दिया अच्छा कितनी उम्र बताई जा रही है उस लड़के की उसके जी 8-7 साल की बता 7-8 साल का ही था छोटा हाँ जी छोटा है 5-6 साल का दो छोटा है दो भाई हैं वो हाँ जी लड़के दो थे ये तो, करे गया माता जी मतलब इस प्रकार की देखो अपने ही जन्म में बेटों को इस प्रकार से मार दिए हुए इससे ऐसे इंसानों के लिए क्या हो गया उसका तो नरकुंड में माँ हो आपने आपके पोता भी प्यारा लगा जी ठीक है और वो तो एक बच्चा था इंसान था जीव था उसने 6-7 साल उसने उसको पाला है खिलाया है पिलाया अपने हाथों से खिलाया भी है और फिर खुद ही अपने हाथों से किस प्रकार कर दिया ऊपर ला जाने कब जाने न्यू भी सुनने में आई है वो उड़ा ले गया था कावड़ लेन भी ले गया था उसने उड़े तो गंगा माई ने नहीं ओटिया अच्छा ले गया था उड़ा भी कावड़ लिया था अच्छा और ई फिर वो डुबो दिया उसने वो नायके ने फिर नायके की रिपोर्ट दे दी उसने उसकी रिपोर्ट क्यों दी वो क्यों बोला कि मेरा छोरा इसने डुबोया अच्छा फिर वो उसका मारे मुरे भी बताओ कमांड भी होया हुआ उसका हाँ, देखो प्रशासन का तो काम है जिसका हाँ, फिर उसने बता दिया जो जो कहानी थी वो तो फिर छोड़ दिया कोई तो नहीं कोई रमेश छटवा के लाया है अच्छा मारे हैं उसका और वो पकड़ रखे ये सुनिए जी और कत भगवान जाने कब जाना हम तो साथ नहीं थे जी। तो भाई कुछ युवा भी है यहाँ नहाने के लिए आए हुए हैं हम उनसे भी एक बार बातचीत करने की कोशिश करेंगे अगर इसी गांव से हैं तो वो क्या बता रहे हैं नमस्कार जी। नमस्कार जी जी आप इसी गांव से हो और आपके गांव में इतनी एक दर्दनाक घटना घटी है कि एक व्यक्ति ने अपने ही बेटे को नहर में डुबो दिया जी या ओणी ओण की बनाई है क्या करा उल्टे लाग रहे थे उनके ना तो वो तो उसका जगर का टुकड़ा था कती नहीं वो एक सुनने में ये भी आ रहा है कि बता रहे थे वो छोटे से प्रेम करा करता बड़े से नहीं करा करता वो तो बेरा नहीं मम्मी छोटे तक कर रही थी वो बड्डे तक करा था अच्छा आपके गांव से ही है यहां से उसका व्यवहार कैसा था चाल चलन कैसा था किस प्रकार का था वो तो ना सुधा बताया कती या ओणी ओण की बनाई है के बेरा के उल्टी घड़ी लगी सर ना तो छोरा तो सब सराहो थे सही था के हाँ वो पाँच छह तो क्या मारो तो हाँ देखो आंटी जी सुधा कैसे कह सकते हैं जब अपने ही जन्मे बेटे को इस प्रकार से मार देवे किस प्रकार से ना का उसने ये कौन सुधा का गा अपना जमे और खा लिया पता के सुधा कहेंगे कुकर जाओगे जब आप मार दिया उसने मारे मतलब आप वहाँ जो मुकाने के दिए जाया कर रहे गोडन उड़ाने के लिए वहाँ भी नहीं जाते ना जी ना जाते अच्छा उस दिन होया थे दो बह वो जब तक पाया नहीं था फिर वो पाया तीसरे दिन पूरा पाया वो कड़े लीता वो एक काम और बताया है कोई उड़ा को वो हाँ वो जब लाए काट कर फिर उसका परसु दाग दिया हड़ बिना पोस्टमास्टर भी करया कि ना करया जी वो तो हमने नहीं बेरा वो तो कहते भगवान जाना है सुरत महाराज थला काम किसी को वो नहीं कनते हम तो सुनिए जो कुरकम है ये बात सुननी माई है।